कुरुक्षेत्र में प्रेरणा वृंदा आश्रम में जीवन यापन कर रहे बुजुर्गों के लिए होली का त्यौहार आयोजित किया गया। इस अवसर पर जोधपुर से आए एक परिवार ने इन बुजुर्गों के साथ होली मनाई और उनकी खुशी में शरीक हुए। इस अवसर पर बुजुर्गों ने रंगों के त्यौहार पर खूब मस्ती की। देखिए, आप जब भी सभी जानते हैं कि प्रेरणा वृद्धाश्रम में ना दूर दूर से लोग आकर अपनी खुशियां बुजुर्गों के साथ शेयर करते हैं, और आज बड़े हर्ष का विषय है कि जोधपुर से एक परिवार बुजुर्गों के साथ होली मनाने के लिए होली के दिन पर हमारे बीच आया है और अपने बेटे को भी साथ लेके। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चों में भी ये संस्कार आए, और ये कितनी बड़ी बात है। आज लोग अपने तक सीमित होते जा रहे हैं, लेकिन ये लोग कितने कितने मील से मीलों से चल के आए और ये भावना लेके आए कि हम वृद्धों के साथ आज होली मनाएंगे, अपना दुख शेयर करेंगे, दुख सुख उनका दुख शेयर करेंगे, सुख उनको देंगे, और उनसे सीखेंगे कि उस समाज में उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है। क्योंकि बुजुर्ग एक ना यूनिवर्सिटी जो होते हैं अपने आप में, तो उनके साथ रह के बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं जब से इनसे मिला हूँ, इनके विचारों से मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं परमात्मा से चाहूँगा कि वो इनको जीवन में खूब सफलता दे, सारी खुशियाँ दें, और इस तरह जो है ना ये परिवार हमारा प्रेरणा परिवार बढ़ता जाए, जुड़ता जाए। लोग कितने दूर दूर से आ रहे हैं, कितना अच्छा लगता है। जोधपुर से कोई आए, हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। मैं इस परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और होली की शुभकामनाएं देता हूँ, और साथ में इनका धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे बीच इस अवसर पर आए, होली के अवसर पर बुजुर्गों के साथ होली मनाने के लिए। ये हमारे लिए बड़े उल्लास की बात है। हमारे लिए पहले तो कुरुक्षेत्र वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की शुभकामनाएं। जहां आजकल के बच्चों ने अपनी विरासत को सहेजना कम कर दिया है, वहीं आप देखिए कि जोधपुर से हजारों मील से एक परिवार चल के यहाँ पे बुजुर्गों के साथ होली मनाने के लिए आया, और उनको शुभकामनाएं देने के लिए आया है। गुजिया लाए हैं, कलर लाए हैं, फूलों से होली के लिए। मैं बहुत बहुत साधुवाद और होली की शुभकामनाएं इस परिवार को देती हूँ, और आशा करती हूँ कि वो आगे भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और संस्था पर समय समय पर आते रहेंगे। बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं आप सभी को। मतलब त्यौहार पे हम लोग इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। 2 मिनट और भी लेना चाहूँगा। हमारी बहुत इच्छा थी कि जो हमने YouTube में देखा है और माउथ पब्लिसिटी से भी सुना है कि कुरुक्षेत्र में एक परिवार बहुत अच्छा वृद्ध आश्रम चला रहे हैं, वो भी दिल से। और वैसे भी कहा जाता है वो ना हो तो दीवारों से भी डर लगता है, बुजुर्गों से ही घर घर लगता है। तो आज हमने एक तरह से अपना घर यहाँ देखा है, और जिस तरह की ये सेवा कर रहे हैं, जिस तरह की पूनम मैडम सेवा कर रही हैं, जिस तरह से रेनू मैडम सेवा कर रही हैं, ये काबिले तारीफ़ है। और मैं चाहता हूँ भगवान को इतनी और शक्ति दे कि इससे भी ज़्यादा ये कर सके। इस समाज में ऐसे युग पुरुषों की, युग स्त्रियों की बहुत ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ आप बहुत, जहाँ भी हमारे लिए कोई सेवा वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। बट हम कितना भी कर लें, हम आपके कदमों के तक भी नहीं पहुँच पाएंगे। जितना भी हमें सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य बहुत तुच्छ है आपके इन प्रयासों के अगेंस्ट में। पर कोशिश करना हमारा काम है, हम भी ऐसा करना चाहेंगे। और आपकी इस जर्नी में, इस संस्था में जो आपने कर रहे हैं समाज के लिए, हम भी अपना कुछ अंश मात्र भी योगदान करना चाहेंगे। आपको नववर्ष की, नव त्यौहार की बहुत बहुत बधाई। आपका परिवार में माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती दोनों का निवास रहे। हम सब आपके लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम सर्वजीत है, मैं जोधपुर राजस्थान से आया हूं, और आके आपने आपको बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस नए दिन हम लोग यहां आ पाए हैं। और इतना अपनियत लग रही है, इतना अपनियत लग रही है, अगर मजबूरी ना हो तो हम वापस भी नहीं जाते, हम 2-4 दिन और यहाँ पे सेवा कार्य करते। थैंक यू वेरी मच। कुरुक्षेत्र से विनोद खुंगर की रिपोर्ट।